राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्थान के नए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के 29वें अध्यक्ष के रूप में आज कुर्सी पर बैठे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नए अध्यक्ष ने कुर्सी संभाली और पूर्व अध्यक्ष ने उस वक्त वहां मौजूद नहीं रहे हों। गौरतलब है कि सचिन पायलट को बर्खास्त किए जाने के बाद डोटासरा को नया अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराकर जिम्मेदारियां सौंपता था, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग हैं। पीसीसी चीफ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी पहुंचे, तो वहीं उनके साथ उनके खेमे के विधायकों ने भी पीसीसी में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की। गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसे वक्त में राजस्थान कांग्रेस की कमान मिली है जब राजस्थान कांग्रेस सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस पर आपसी कलह हावी है। पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत कई विधायक बगावत कर चुके हैं। जमीनी स्तर पर भी संगठन में कार्यकर्ताओं में वो एकजुटता नहीं है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक चुने गए गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीति में लंबा अनुभव है। उन्होंने सत्ता और संगठन दोनों में काम किया है। वो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। 1 अक्टूबर 1964 को जन्मे डोटासरा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। डोटासरा लगातार 7 साल तक सीकर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे हैं।